फ्रेंड्स yes एक नया यूनिट बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग क्योंकि ये आपके और मेरे बारे में कंज्यूमर के बारे में सो so, डिजायर तो देखो हर व्यक्ति के पास है हर ह्यूमन बींग के पास है टेस्ट भी है टेस्ट का ये मतलब नहीं कि सिर्फ खाने पीने का आइटम को ही टेस्ट बोलते हैं ठीक है सो ऑल डिजायर टेस्ट अब जैसे भाई अपना टेस्ट है फाइव स्टार होटल्स अपना टेस्ट है सेवन स्टार होटल्स ठीक है समझ में आया बात ऑल डिजायर टेस्ट एंड मोटिव्स ऑफ अ ह्यूमन बींग आर कॉल्ड वॉन्ट्स मोटिव का मतलब क्या सर मकसद बेसिकली वांट्स जो है मैं ये चाहता हूं वॉन्ट्स तो जो मैं डिजायर करता हूं क्या मैं उसे चाहता हूं यस yes, मैं चाहता हूं जो मेरा टेस्ट है भैया अपना टेस्ट है फाइव स्टार होटल में पार्टी यार फाइव स्टार के नीचे क्या पार्टी तो अपने कहीं ना कहीं चाहते हैं कि अगर कभी हम पार्टी करें तो फाइव स्टार होटल में करें अपना मोटिव है यार कि लाइफ में एकदम सक्सेसफुल बने सक्सेसफुल बिजनेसमैन बने अपना मोटिव है लाइफ में कि यस कुछ अच्छा मेहनत करें अच्छी महंगी गाड़ी खरीदें जेम्स बॉन्ड तो कहीं ना कहीं डिजायर बोल लो टेस्ट बोल लो मोटिव बोल लो कहीं ना कहीं ये जुड़ा हुआ है वॉन्ट्स के साथ ठीक है जी ये तो क्लियर है आर कॉल्ड वॉन्ट्स इन इकोनॉमिक्स तो जब हम इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं तो इकोनॉमिक्स वॉन्ट बहुत बड़ा एक वर्ड है वॉन्ट वॉन्ट्स सो डिजायर बोलो टेस्ट बोलो मोटिव बोलो वॉन्ट्स है और ये वॉन्ट्स दे में अराइज ड्यू टू एलिमेंट्री एंड साइकोलॉजिकल कॉजेस ठीक है अपने को जो अपना खुद का अंदर का फीलिंग है अपना दिमाग क्या बोलता है एक बेसिक कॉज इतना तो चाहिए सिंस द रिसोर्सेज आर लिमिटेड ये अपने स्टार्टिंग चैप्टर पे पढ़े थे भैया रिसोर्स लिमिटेड है वांट्स अनलिमिटेड है ठीक है जी अपने को पता है ये बात। वी हैव टू चूज बिटवीन द अर्जेंट वांट्स एंड नॉट सो अर्जेंट वांट्स अब रिसोर्सेज पे अगर अपने पैसा का ही बात कर लेट से मनी एक अपना रिसोर्स है तो अर्जेंट वांट ये कि भाई पापा का दवाई पापा का मेडिसिन एकदम अर्जेंट वांट है राइट और मूवी देखना दोस्तों के साथ पैसे अगर लिमिटेड है तो भाई अपने तो पैसे पापा की दवाई पे खर्चा करेंगे ना कि अपने मूवी हॉल पे जाके बैठ जाए ओके okay. तो दिमाग की बत्ती को जला लो आइए फील करते हैं साथ में वॉन्ट्स आर अनलिमिटेड इन नंबर ये तो अपने सबको पता है वॉन्ट्स आर अनलिमिटेड भैया एकदम कभी भी ऐसा नहीं है ये चाहिए वो चाहिए हर दिन कुछ ना कुछ चाहिए हर पल कुछ ना कुछ चाहिए एक चीज सेटिस्फाई हो जाए तो फिर दूसरा कुछ चाहिए सब मोह माया है बालक वो बन जाता है साधु अच्छा वॉन्ट्स डिफर इन इंटेंसिटी समर्जेंट अदर्स आर फेल्ट लेस इंटेंसली कुछ कुछ वॉन्ट तो एकदम अर्जेंट होता है भाई कि नहीं ये तो एकदम तुरंत चाहिए और कुछ कुछ ठीक है यार कर लेंगे एक बहुत महंगी घड़ी खरीदनी है यार पांच लाख वाली ठीक है यार अभी नहीं बाद में खरीद लेंगे ईच सेटिएबल तो इकोनॉमिक्स में वही वॉन्ट को हम मान रहे हैं जो कि सेटिएबल है जो सेटिस्फाई हो सकता है मेरा तो वॉन्ट है कि मैं साक्षात भगवान नारायण से साक्षात्कार करूं उनसे मिलूं मैं और उनका सेवा करूं मैं ये मेरा इच्छा है ये मेरा डिजायर है ये मेरा वांट है तो क्या ये वांट सेटिबल है अब इस पे तो बहुत बड़ा डिबेट हो सकता है भाई तो इकोनॉमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये सेटिबल नहीं है अच्छा जी वांट्स आर कॉम्पिटिटिव दे कॉम्पीट ईच अदर फॉर सेटिस्फैक्शन अरे भैया हमारा ही वांट कंपटीशन कर रहा है हमारे ही वांट। दूसरे वांट से दे कॉम्पीट ईच अदर फॉर सेटिस्फैक्शन बिकॉज रिसोर्सेस आर स्केर्स टू सेटिस्फाई ऑल वांट्स अब हमारे पास जैसे है पचास हजार रुपया अब हमारे पास है अलग अलग वांट्स मम्मी को भी अच्छा गिफ्ट देना है पापा को भी गिफ्ट देना है दोस्तों को भी पार्टी देना है दादाजी का दवाई भी लाना है सबको खुश रखना है तो ये अलग अलग वांट्स को कौन सा वांट को पहले करूं नहीं मम्मी का एनिवर्सरी आ रहा है पच्चीसवा एनिवर्सरी तो यार इस बार तो तो वाइफ को तो छोड़ दो तो यार मम्मी को ये देना जरूरी है तो कंपटीशन हो गया ना वाइफ वर्सेस मदर बड़ा खतरनाक कंपटीशन होता भाई वांट्स आर कॉम्प्लीमेंट्री सम्स कैन बी सेटिस्फाइड ओनली बाई यूजिंग मोर देन वन गुड और ग्रुप ऑफ गुड्स सम वैन बी सेटिस्फाइड ऑनली बाई यूजिंग मोर देन वन गुड और ग्रुप ऑफ गुड्स ठीक है भाई अलग अलग वॉन्ट है अलग अलग ग्रुप अलग अलग गुड्स ठीक है होटल जाना है अब होटल में खाना भी खाना है स्विमिंग भी करना है सब कुछ करना है रात को डिस्को में भी जाना है वॉन्ट्स आर ऑल्टरनेटिव ऑल्टरनेट कर लेते हैं ना कभी कभी पहले इसको बाद में ये वॉन्ट्स आर सब्जेक्टिव एंड रिलेटिव सब्जेक्टिव मतलब भैया इमोशंस के साथ जुड़ा हुआ रहना रिलेटिव मतलब रिश्तेदार नहीं रिलेटिव मतलब कंपैरिजन ठीक है तो अलग अलग वांट को हम कंपेयर कर लेते हैं कभी कभी वॉन्ट्स वेरी टाइम प्लेस एंड पर्सन अलग अलग समय पे, अलग अलग सिचुएशन पे अलग अलग जगह पे अलग अलग व्यक्ति का अलग अलग वांट रहता है सम वांट्स रिकर अगेन अदर डू नॉट अकर अगेन एंड अगेन जिसको सिगरेट पीने का वांट है दोस्त वो तो बार बार पिएगा एल्कोहल वाला को भी बार बार चाहिए अब यार एक बार दुबई जाने का सपना था अब जाए आया अब यार दुबई दोबारा नहीं जाना यार अब दूसरा जगह जाएंगे स्विट्जरलैंड जाएंगे ठीक है तो कुछ तो बार बार आता है और कुछ दोबारा नहीं आता है वॉन्ट्स में बिकम हैबिट्स एंड कस्टम्स हैबिट भी बन जाता है दोस्त कस्टम भी बन जाता है अब जैसे भाई अपना बर्थडे में तो आदत हो गया अभी फाइव स्टार होटल के नीचे पार्टी देना ही नहीं है दोस्तों को भाई बुला रहे हैं बीस साल हो गया जी तो अब तो समझ लो कस्टम टाइप का हो गया कस्टम मतलब क्या तो एकदम हैबिट एंड कस्टम अरे यार तेरा पार्टी तो भाई फाइव स्टार के नीचे हो ही नहीं सकता भाई जो चीज रिपीट होते होते उसे कस्टम कहते हैं वॉन्ट्स आर अफेक्टेड बाई इनकम टेस्ट फैशन एडवर्टाइजमेंट एंड सोशल कस्टम्स अब जैसे कि सोशल कस्टम्स हम लोग देख लेते हैं और आजकल तो टीवी में मूवीज में हम लोग कुछ कुछ पुराने जमाने के कस्टम्स देखते थे कि भी करवा चौथ का जो व्रत है ये आपको पता है डी डी एल जे दुल्हनिया ले जाएंगे ये मूवी में जो करवा चौथ का जो कॉन्सेप्ट दिखाया गया ना दोस्त बस करवा चौथ तो इंडिया में समझ लो वहां से ज़बरदस्त हिट हो गया तो सोशल कस्टम था तो बस अब तो भाई सबको उसी प्रकार से करवा चौथ करना है तो होता है टेस्ट फैशन एडवर्टाइजमेंट मूवी में कुछ देख लिया तो उससे भी हमारा इच्छा हो जाता है डिजायर हो जाता है वांट हो जाता है वांट्स अराइज फ्रॉम मल्टीपल कॉजेस सच एज नेचुरल इंस्टिंक्ट अंदर ही पता नहीं यार अपने को तो यार ये अच्छा लगता है अपने को तो भैया बहुत अच्छा लगता है क्या बहुत अच्छा लगता है भाई अपने को तो भैया बियर पीना बड़ा अच्छा लगता है स्विमिंग पूल हो ये कुछ नेचुरल इंस्टिंक्ट है भैया ये कौसा नेचुरल इंस्टिंक्ट ठीक है भैया अब है तो है बट दोस्त मैंने ये जान मुझ के ये बात कही है ठीक है ये आप नेचुरल इंस्टिंक्ट का नाम ले रहे हो सिगरेट अल्कोहल, अरे अंदर से फीलिंग आ रहा भाई ये पीने से बड़ा शांति मिलता है ये एकदम गलत बात है ठीक है सो so प्लीज दोस्तों एक ह्यूमन लाइफ मिला है इस एक ह्यूमन लाइफ में आप वांट्स करो ना भाई क्या दिक्कत है बट मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कोई भी ऐसा वांट मत करो जो आपके ह्यूमन लाइफ को हानि पहुंचाए बहुत बड़ा गिफ्ट है गॉड का बहुत बड़ा गिफ्ट है आपके पेरेंट्स का और आपके लाइफ पे आपके पेरेंट्स आपके ब्रदर सिस्टर आपके फ्रेंड्स सबका अधिकार है कुछ भी ऐसा हरकत मत करो जो चोट और तकलीफ़ तो आपको हो आप तो तकलीफ़ भोगेंगे ही बट आपको देख देख कर जो व्यक्ति आपसे प्यार करता है वो भी तकलीफ़ भोगेंगे तो प्लीज़ ये गुजारिश है कुछ भी नशा से दूर रहना ये एज जो आपका है नशे के तरफ आपको लेके जाता है आपको लगता है कि आ हा बहुत मजा है इसमें विश्वास करो दोस्त मजा नहीं बहुत बड़ा सजा है तो नेचुरल इंस्टिंग के नाम पे मत कुछ ऐसा काम करना जो कि तकलीफ हो जाए सोशल ऑब्लिगेशन एंड इंडिविजुअल इकोनॉमिक एंड सोशल स्टेटस ये सब बड़ा खतरनाक है सोशल ऑब्लिगेशन इंडिविजुअल इकोनॉमिक एंड सोशल स्टेटस तो ये सब सोशल स्टेटस वगैरह को देखकर भी बहुत काम किया जाता है उसके अनुसार वांट्स डेवलप होते हैं बट कोई भी चीज़ अगर किसी को तकलीफ पहुंचा रहा है चाहे खुद के शरीर को तकलीफ पहुंचा रहा है तो वैसा काम मत करना ना खुद को तकलीफ दो ना किसी और व्यक्ति के मन को तकलीफ दो कोई भी वांट ऐसा मत करो जिससे आप किसी और को तकलीफ दे रहे हो तो प्लीज़ यही रिक्वेस्ट है इन इकोनॉमिक्स वॉन्ट्स आर क्लासीफाइड इन थ्री कैटेगरीज नेसेसरीज ये एकदम ज़रूरी है राशन चाहिए ना घर पे राशन चाहिए ठीक है फूड एकदम नेसेसरीज है कंफर्ट ठीक है यार आज के जमाने में अगर फैन मिल जाए तो जिंदगी थोड़ा कंफर्ट हो जाए और लग्जरी मतलब पूरा हर घर पे एयर कंडीशनर लग जाए तो लग्जरी लाइफ हो जाए ऑक्सीजन वेरी मच नेसेसरी फॉर लाइफ सोचो फ्री में मिलता है दोस्त सो नेसेसरी फॉर लाइफ और एग्जिस्टेंस For and तो और अच्छे तरीके से एग्जिस्ट करने का इच्छा होता है अब ऐसा जीना भी कोई जीना है लल्लू ये जीना भी कोई जीना है हाँ। कोई एजुकेशन नहीं कोई अच्छे कपड़े नहीं अच्छा खाना नहीं अच्छा पीना नहीं और, और तो और साफ सुथरा पानी भी नहीं तो ये जीना कोई जीना है ये कोई एफिशिएंसी है बताओ 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 तो एग्जिस्टेंस है एग्जिस्टेंस के बाद एफिशिएंसी चाहिए अच्छे से जीना है कन्वेंशनल नेसेसरीज अराइज इधर ड्यू टू प्रेशर और हैबिट और ड्यू टू कंपेलिंग सोशल कस्टम्स एंड कन्वेंशन दे आर नॉट नेसेसरी इधर फॉर एग्जिस्टेंस और एफिशियंसी अब प्रेशर ऑफ हैबिट और कंपेलिंग सोशल कस्टम्स एंड अब आपको और लाइफ को अपग्रेड कर लिया आपने जैसे आज का मॉडर्न लाइफ कन्वेंशनल ने हो गया ठीक है सो so, बहुत कुछ हमने अपग्रेड कर दिया जिंदगी में वाइल नेसेसरीज मेक लाइफ पॉसिबल कंफर्ट्स मेक लाइफ कंफर्टेबल एंड सेटिस्फाइंग कंफर्ट्स आर लेस अर्जेंट देन नेसेसरीज टेस्टी एंड होल्सम फूड अब तो टेस्ट भी चाहिए टेस्टी एंड होल्सम फूड गुड हाउस क्लोज सूट डिफरेंट भैया क्या बात है बर्थडे में ऐसा दिवाली में ऐसा इंडिपेंडेंस डे में ऐसा तो कल तक तो, तो सिर्फ कपड़ा चाहिए था अब तो कंफर्टेबल क्लोज ऑडियो विजुअल एंड लेबर सेविंग इक्विपमेंट मेक लाइफ कंफर्टेबल लग्जरीज आर दोज वॉन्ट विच आर सुपर एक्सपेंसिव बड़ा महंगा महंगा गिफ्ट महंगा महंगा परफ्यूम महंगा महंगा घड़ी महंगा महंगा गहना महंगा महंगा कोट महंगा साड़ी उफ मतलब कपड़ा तो भैया तन ढकने के लिए चाहिए बट अब वो कपड़ा भी सोने का आ हा क्या लग्जरी है जी दे आर नॉट एसेंशियल फॉर लिविंग पाँच पाँच करोड़ का तो गाड़ी है भैया आप तो एक गाड़ी पांच करोड़ का ले रहे हो हमारे गांव में पांच हजार लोग हैं जो भूखा सोते हैं कि पांच करोड़ अगर आप दे देते ना तो कितना साल तक ये पांच हजार लोग भूखा नहीं सोते तो भैया यही है इंडिया किसी का तो लग्जरी है पांच करोड़ का गाड़ी और कहीं पर पचास रुपए का खाना भी नसीब नहीं है तो ये वैरायटी है हमारे देश में अब तो भैया ऐसा है ना कि जो मेरे लिए कल तक लग्जरी था अब तो मेरे लिए एकदम मेरा आदत बन गया नेसेसरी हो गया इस गाड़ी के बिना तो मैं जी ही नहीं सकता हूँ

तो उसे उस पावर को कहते हैं यूटिलिटी इट इज द एक्सपेक्टेड सेटिस्फैक्शन टू अ कंज्यूमर एक्सपेक्टेड वर्सेस रियल प्लीज ध्यान दीजिएगा मैं अपने हनीमून में जा रहा हूं ठीक है मॉरिशियस जा रहा हूं और मॉरिशियस के बीच में मैं रहने वाला हूं और मेरी नई नवेली दुल्हन है मेरे साथ तो कहीं ना कहीं एक एक्सपेक्टेड सेटिस्फेक्शन है कि यार वहां जाएंगे तो ऐसा होगा वैसा होगा बीच का वाटर एकदम क्रिस्टल क्लियर होगा और बाकी बाकी एक्स, जेड, ठीक है हम वाटर बोट में जाएंगे मोटर बोट में जाएंगे ऐसे रहेंगे वैसे करेंगे। सो एक्सपेक्टेड सेटिस्फेक्शन टू अ कंज्यूमर हमारा होटल भी एकदम फाइव स्टार वाला होटल है तो एक्सपेक्टेड सेटिस्फेक्शन और अब जब हम वहां गए कैसा होटल किया है भैया बुक बताओ रूम भी क्लीन नहीं है तो एक्सपेक्टेड सेटिस्फैक्शन रियल सेटिस्फैक्शन चेंज हो सकता है ठीक है इट इज द एक्सपेक्टेड सेटिस्फैक्शन टू अ कंज्यूमर व्हेन ही इज विलिंग टू स्पेंड अ मनी ऑन अ स्टॉक ऑफ कमोडिटी व्हिच हैज कैपेसिटी टू सेटिस्फाई हिज वांट यूटिलिटी इज

तो उस बजट में आप देख रहे हो कि भैया ये होटल मेरे को आठ हजार रुपया पर रूम लग रहा है पर डे और दूसरा आप देख रहे हो कि नहीं यार ये ये में इतना, -इतना, इतना, इतना फैसिलिटी दे रहा है ये आठ हजार में इतना -इतना इतना, इतना 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 दे रहा है और ये दस हजार वाला ले लो यार ये तो अरे बाबा ये तो बहुत ज्यादा दे रहा है बट ये सही है यार ये दस हजार ले रहा है बट हमको लग रहा है कि ये पंद्रह हजार का बेनिफिट दे रहा है ऐसा मन में आ जाता है ना कल्पना यार इससे अच्छा तो हम ये दस हजार दे देंगे ये आठ हजार जो मांग रहे हैं ना कुछ भी तो नहीं दे रहा है आठ हजार में हमको ऐसा फीलिंग आ रहा है कि चार हजार का भी ये लायक नहीं है आता है ना ऐसा फीलिंग कि आठ हजार भी दे भी देंगे मेरा बजट टाइट है मेरा बजट एकदम टाइट है भाई आठ हजार हम पांच दिन का हनीमून मनाने जा रहे हैं तो यहां चालीस हजार रुपया खर्चा हो जाएगा बट भाई चालीस हजार खर्चा करके भी ना मजा हमको सोलह हजार वाला ही मिलने वाला क्योंकि ये तो चार हजार के कैटेगरी मेरे हिसाब से छह हजार का तो भाई पूछ ही मत तो चलो सर आप दस हजार वाला देखिए अब ये दस हजार भाई मेरा बजट से बाहर हो जाएगा बट भाई दस हजार वाला पचास हजार लगेगा जरूर बट भैया मजा मिलेगा पचहत्तर हजार वाला कसम से तो यूटिलिटी का देखो एक काल्पनिक सिचुएशन होता जहां हम लोग कही कहीं ना कहीं कैलकुलेशन कर लेते हैं अपने मन में कि ये दस हजार लग रहा है पैसा खर्च होगा दस हजार बट कहीं ना कहीं इसका यूटिलिटी मिल रहा है मेरे को पंद्रह हजार का और जब मैं रियल में रह कर आऊंगा ना हो सकता अरे भाई पूछ मत मैं तो यार हंड्रेड परसेंट सेटिस्फाइड हूं हंड्रेड परसेंट मतलब हंड्रेड परसेंट सेटिस्फाइड मतलब जैसा मैंने कल्पना किया था कि ये दस हजार खर्चा हो रहा है बट मजा पंद्रह हजार का मिलने वाला है भाई हंड्रेड परसेंट सेटिस्फाइड मतलब वो पंद्रह हजार का ही मिला भाई हंड्रेड परसेंट तो सेटिस्फाइड नहीं हूं फिर भी यार बोलूंगा नब्बे पंचानबे का तो नहीं मिला फिर भी ठीक है यार तो एक तरह से देखा जाए अगर दस हजार खर्चा करके दस का भी मजा मिल रहा है उसको तो, उसका पैसा नुकसान तो नहीं हुआ बट पंद्रह का मिल रहा तो और भी मजा है तो ये जो दस का पैसा खर्च करके पंद्रह का मजा मिलना इसको कहते हैं कंज्यूमर सरप्लस ये आगे हम कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे अच्छे से कंज्यूमर को मिला है सरप्लस भाई ठीक है जी मिल गया सरप्लस और कभी कभी कंज्यूमर बोलेगा मजा आ गया यार मैं यारह तो हजार का ही मजा सोचा था यार मेरे को बीस तो हजार का मजा मिल गया जबरदस्त बंपर तो ये सब बात ही करना है क्योंकि आज का चैप्टर है हमारा कंज्यूमर कंज्यूमर का दिमाग और अपना दोनों का दिमाग ऐसा ही है भाई एक जैसा है अपने सब एक जैसा दिमाग अपने हमेशा चाहते हैं कि दस रुपया खर्चा हो तो कम से कम बारह रुपया का मजा मिले पंद्रह रुपया का मजा मिले और इसीलिए अपने हमेशा डिस्काउंट स्कीम डिस्काउंट ऑफर को कभी नहीं छोड़ते ठीक है क्योंकि कल तक जो आदमी मेरे से बीस हजार रुपया मांग रहा था बात को समझिएगा यार अपने को लग रहा था बीस हजार के तो लायक ही नहीं है ये ये मैक्सिमम मैं इसको दे सकता हूं तो मैं बारह हजार दे सकता हूं और आज अचानक उसने मेरे को फोन किया या मैसेज आया फिफ्टी परसेंट डिस्काउंट तो फिफ्टी परसेंट डिस्काउंट मतलब ये दस हजार का तो कहीं ना कहीं मैं बारह हजार में तो रेडी था ही वही चीज मेरे को दस हजार में मिल रहा है तो मैं तो यार तुरंत ले लूंगा ठीक है अपने तो दो हजार प्लस में ही बैठे हैं यार बीस हजार ये मांग रहा था अपने को लग रहा था कि बारह हजार तक ठीक है बट आज तो 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 ये दस मांग रहा तो मैं तो तुरंत उछल उछल के दूंगा क्योंकि मैं कहीं ना कहीं बारह हजार तक तो रेडी था ही आई यू गेटिंग ऑल दिस पॉइंट तो ये सब जो बातें हम कर रहे हैं इसे कहते हैं यूटिलिटी और इसको हम समझेंगे आज अच्छे से अ कमोडिटी हैज यूटिलिटी फॉर अ कंज्यूमर इवन वेन इट इज नॉट कंज्यूम्ड देख रहे हो अभी तक हमने कंज्यूम नहीं किया है ये रूम समझ लो अगर हम हनीमून का ही बात कंटिन्यू करें दोस्त ये बीस हजार रुपया मांग रहा है बट मेरे हिसाब से यह बारह हजार का यूटिलिटी देता है अभी तक तो मैंने कंज्यूम किया ही नहीं इस रूम को यूज किया ही नहीं दोस्त अ कमोडिटी हैज यूटिलिटी फॉर अ कंज्यूमर इवन वेन इट इज नॉट कंज्यूम्ड ये सब बात बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि आज का जो पूरा बेस है इसी पर आधारित है दोस्त। it is the subjective entity. Subjective मतलब आपका ऑब्जेक्टिव मतलब पूरा दिमाग से पूरा कैलकुलेशन से ठीक है सब्जेक्टिव मतलब देखो हर आदमी का अलग अलग परसेप्शन होता है किसी एक आदमी के लिए बीस हजार का रूम का वैल्यू बारह हजार है और किसी दूसरा आदमी के लिए पागल बेवकूफ बारह हजार टक! आठ हजार ऐसा रूम बहुत मिल रहा है यार आठ आठ हजार में को पागल बना रहा है यार चला को दिलाता हूं होता है ना ऐसा तो ये अलग अलग लोगों का अलग अलग धारणा है तो इसे कहते हैं सब्जेक्टिव एंटिटी इट इज अ सब्जेक्टिव एंटिटी एंड वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन ये एक पर्टिकुलर रूम कोई बीस हजार का कोई बहुत रईस है राइट right? उसके लिए तो ये बीस हजार भी सही लग रहा है किसी के लिए बारह हजार लग रहा है सही किसी के लिए आठ हजार सही लग रहा है तो किसी के लिए दस हजार सही लग रहा है तो ये इट इज वेरिंग फ्रॉम पर्सन टू पर्सन और इसे कहते हैं सब्जेक्टिव एंटिटी अ कमोडिटी हैज डिफरेंट यूटिलिटी फॉर द सेम पर्सन एट डिफरेंट प्लेसेस और एट डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम देखो भाई अब ऐसा है कभी कभी ऐसा होता है कि अब हमारे घर पे गेस्ट आ गए हैं ठीक है अब गेस्ट आ गए हैं और दूध वाला जो है अपने बीस रुपया लीटर दूध देता है और घर पे गेस्ट आए हुए हैं तो वो अपने आज के दिन में उसको चालीस रुपया भी देने के लिए तैयार है कि भाई गेस्ट आए हुए जल्द से जल्दी दे ठीक है तो अलग अलग सिचुएशन पे चेंज हो जाता है कमोडिटी हैज डिफरेंट यूटिलिटी फॉर द सेम पर्सन एट डिफरेंट प्लेसेस अब डिफरेंट प्लेस जैसे अपने घर पे अपने अपने घर पे बहुत आराम से इजिली मिल्क का मेरे को आदत है दोस्त बिना दूध पिए मैं सो नहीं सकता ठीक है अब हमारे यहां पर तो भैया दूध बीस रुपया लीटर मिल रहा है और अब मैं समझ लो कहीं चला गया जहां मेरे को मिल्क का अवेलेबिलिटी नहीं है बट मेरे को आदत है तो वहां पर मैं हंड्रेड रुपीज लीटर भी समझ लो देने के लिए तैयार हूं यार कुछ भी हो जाए दूध मिल जाए यार सो दिस इज वॉट इट इज different places और at different points of time अब कुछ ऐसा हो गया है कि मैं एकदम पागल हो जा रहा हूं यार मेरे को नींद ही नहीं आ रहा है ऐसा सिचुएशन हो गया कि दो दिन हो गया मैंने दूध पिया नहीं हूं मैं ना आई एम नॉट एबल टू स्लीप तो उस जगह तो यार मैं पांच सौ रुपया भी देने के लिए तैयार हूं कोई मेरे को दूध लाके दे दो यार मेरे को आदत है नींद नहीं आता दूध के बिना सो so, वही दूध यूटिलिटी देखो अलग अलग जगह पे अलग अलग पोजीशन पे चेंज हो गया तो आई होप इट इज क्लियर हर इंसान के साथ ऐसा कभी ना कभी होता है इट शुड बी नोटेड दैट यूटिलिटी इज नॉट द सेम थिंग एज यूजफुलनेस ठीक है ये मेरा बहुत काम का है काम का है मेरे काम का है मतलब मेरे यूज का है तो यूज एंड यूटिलिटी अलग है तो प्लीज डोंट गेट कन्फ्यूज फ्रॉम द इकोनमिक स्टैंड पॉइंट इवन हार्मफुल थिंग्स लाइक लिकर मे सेट टू हैव यूटिलिटी बिकॉज पीपल वॉन्ट देम तो यूटिलिटी का मतलब क्या है लोग कहीं ना कहीं उसको वॉन्ट कर रहे हैं ठीक है लिकर जो है एल्कोहल जो है ऐसे तो यह हार्मफुल है फिर भी अगर मेरे को चाहिए मेरे को चाहिए तो उसका यूटिलिटी है इसलिए यूटिलिटी इज नॉट इक्वल टू यूज फुलनेस आप बोलोगे कि अल्कोहल तो आपका शरीर को बर्बाद कर रहा है बट क्योंकि मेरा इच्छा है मैं चाहता हूं तो उसका यूटिलिटी है दस इन इकोनॉमिक्स द कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी इज एथिकली न्यूट्रल ये सब देखो इंपॉर्टेंट लाइन है दोस्त ये सब इंपॉर्टेंट लाइन है प्लीज समझ लो दस इन इकोनॉमिक्स द कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी इज एथिकली न्यूट्रल मतलब देखो अगर मेरे को गन चाहिए गन से मैं मारूंगा सिंस आई नीड द गन राइट नाउ उस गन का यूटिलिटी है बिकॉज दैट इज अ वांट भले उससे मैं क्या करूं गलत करूं सही करूं वो अलग चीज है तो इसीलिए एथिकली न्यूट्रल बोला गया है ठीक है इकोनॉमिक्स में यूटिलिटी को एथिकल मतलब कोई मॉरल वैल्यू ये सब से नहीं जोड़ रहे हैं अच्छा बुरा ये सब नहीं जोड़ रहे हैं अगर वांट है लिकर का वांट है नार्कोटिक्स का वांट है ड्रग्स का वांट है तो उसके लिए मेरे लिए यूटिलिटी है देखो भाई ऐसा होता है जैसे मैं ड्रग एडिक्ट हूं जैसे अभी मैंने एग्जाम्पल दिया मिल्क का उस मिल्क का एग्जाम्पल को ड्रग से चेंज कर दो मेरे को ड्रग अवेलेबल मिल रहा था पांच रुपया ग्राम में अब मेरे को ऐसा सिचुएशन हो गया दस दिन से मैंने ड्रग लिया नहीं है तो मैं पचास हजार रुपया भी देने के लिए तैयार हूं क्योंकि मेरे लिए आज का यूटिलिटी पचास हजार रुपया है भाई थोड़ा सा दे दे भाई तलब लग रही है भाई दे दे भाई ए भाई दे दे कहीं से अरेंज कर भाई अरे नहीं जी पाऊंगा रे तो भैया ऐसा होता है तो तुम ऐसे चक्कर में मत पड़ जाना मेरे दोस्त यूटिलिटी हाइपोथिस फॉर्म्स द बेसिस ऑफ द थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर ये जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं दोस्त यूटिलिटी हाइपोथिस यूटिलिटी को पहले इतना डिटेल में आपको समझाने का चेस्टा किया जा रहा है और देखो इकोनॉमिक्स होता क्या है ना इकोनॉमिक्स में एक थाट होता है किसी इकोनॉमिक्स का एक थाट होता है कि भाई मेरे मन में ये विचार आया है और मैं इसको प्रेजेंट करना चाहता हूँ जी तो यूटिलिटी कॉन्सेप्ट को प्रेजेंट किया जाएगा आप माने ना माने अग्री करे डिस करें ये आपका निजी मामला है बट मैं एक बहुत बड़ा इकोनॉमिस्ट हूं और भैया अपने को ऐसा ऐसा लगता है और मैंने ऐसा ऐसा रिसर्च किया है तो मैं अपना रिसर्च आपके सामने पेश करना चाहता हूं और वो रिसर्च अच्छा लगा तो आज हम उस रिसर्च को पढ़ रहे हैं पर इसका यह मतलब नहीं कि दुनिया में ये, ये सबसे इंपॉर्टेंट है हा हा यूटिलिटी हाइपोथेसिस फॉर्म्स द बेसिस ऑफ थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर तो कंज्यूमर का बिहेवियर तो देखो अभी जैसे हमने बताया था कि यार ये मोबाइल फोन मिल रहा है सेकेंड हैंड कितना का बाईस हजार का नहीं यार नहीं 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 क्यों नहीं बोल रहा है? अरे यार सोलह में तो मैं तेरे को इससे भी अच्छा दिला दू तो इसका बाइस नहीं तो एक काम कर इसका तो चौदह हज़ार बोल रहे हजार का है। इसका यूटिलिटी अपने को ही मिल रहा है कंज्यूमर बिहेवियर कंज्यूमर का थॉट टू इंपॉर्टेंट थ्योरीज मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस यूटिलिटीड बाय मार्शल तो ये मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस किसने सिखाया किसने बताया मार्शल साहब ने बताया और दूसरा है कर्व एनालिसिस प्रपाउंडेड बाय हेक्स एंड एलन थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं वांट्स है वांड्स को हमने क्लासिफाई किया एन सी एल दैट इज नेसेसरीज़ कम्फर्ट्स एंड लग्जरीज और ये वॉन्ट और कुछ नहीं है डिजायर है टेस्ट है या मोटिव है और ये वॉन्ट्स जो है दोस्त एलिमेंट्री नीड्स या साइकोलॉजिकल नीड्स से जनरेट होती है और हाउ टू सेटिस्फाई द वॉन्ट्स जब वॉन्ट है तो वॉन्ट को सेटिस्फैक्शन चाहिए ही चाहिए तो वॉन्ट सेटिस्फेक्शन के लिए हमें पहुंचना पड़ता किसके पास हमें पहुंचना पड़ता हमारे रिसोर्स बाबा के पास अब रिसोर्स बाबा बोलता अरे बच्चा तेरा वांट तो है बहुत ही अनलिमिटेड बट मेरे पास रिसोर्स जो है मेरे पास जो पावर है वो तो है लिमिटेड तो कोई बात नहीं लिमिटेड पावर लिमिटेड रिसोर्स तो अब बेटा तुम मेरे से कुछ वरदान चाहते हो तो बेटा बताओ तुम्हारा सबसे अर्जेंट वरदान क्या है मैं वही दूंगा और कुछ कुछ नॉट सो अर्जेंट वरदान है बेटा उसको भूल जाओ क्योंकि बाबा तेरे को सब नहीं दे सकता है तो बाबा सब कैसे देगा तो वही रिसोर्स वाला बात है यूटिलिटी क्या है यूटिलिटी इज वांट सेटिसफैक्शन पावर ऑफ कमोडिटी और यही यूटिलिटी है एंटीसिपेटेड सेटिसफैक्शन बट ये क्या रियल सेटिसफैक्शन है नहीं जी ये रियल सेटिसफैक्शन नहीं है एंटिसिपेट कर रहे हैं हम लोग कल्पना कर रहे हैं कि चलो ये चीज़ इतना सेटिसफैक्शन देगा ये मैं नया मोबाइल फोन खरीदने के लिए तैयार हूं कंपनी का एड देख रहा है मैं इसके लिए चालीस हजार रुपया दे सकता हूं मेरे को लग रहा है कि चालीस हजार खरीदने के बाद अगर वो मोबाइल फोन सही तरीके से काम नहीं किया तब पता चलेगा ना कि यार चालीस हजार का, का कैलकुलेशन गलत हो गया इस कॉन्सेप्ट को समझने से ही समझ में आ जाएगा कि भाई मार्जिनल यूटिलिटी है क्या चीज देखो क्या होता है जैसे हमने चॉकलेट खाया अब एकदम भूख लगी हुई है यार चॉकलेट खाने का मन कर रहा है लेट से एक कैडबरी चॉकलेट बार मैंने खोला और मैंने कंज्यूम किया तो अपने को लग रहा है यार मजा आ गया यार ठीक है तो ये तीस पॉइंट का यूटिलिटी हमने नोट कर दिया तो जब मैंने पहले बार खाया ना तो सेटिस्फैक्शन मिला तीस ठीक है दूसरे बार जब मैंने उसी चॉकलेट को कंज्यूम किया तो तीस प्लस तीस होना चाहिए था बट दोस्त एक बार खाने के बाद जब दूसरा बार खाते तो उतना सेम टू तो सेम उतना मजा नहीं आता तो दूसरे बार मेरे को जब मैंने खाया तो मेरे को मजा मिला दोस्त बीस यूनिट का तीस की जगह यहां पर मेरे को मिला तीस यूनिट का मजा दूसरे बार जब मैंने खाया मेरे को मिला बीस यूनिट का मजा तो तीस और बीस टोटल मिला के होता है पचास कोई शक नहीं जब मैं उसको तीसरे बार खाता हूं तो पहले बार जो मेरे को तीस यूनिट का मजा मिला दूसरे बार बीस यूनिट का मजा मिला तीसरे बार मेरे को पंद्रह यूनिट का ही मजा मिला तो जब मैं टोटल जब मैं तीन बार खा चुका हूं तीन बार हा तीन बार तो ये इंग्लिश में भी बार हिंदी में भी बार तीन बार जब मैं खा चुका हूं तो मेरे को टोटल यूटिलिटी या मजा मेरे को मिला पैंसठ का जब मैं चौथा खाया तो भैया अब यार और मत खिलाओ यार कितना खिलाओगे और मन नहीं कर रहा खाना अरे भैया खाइए ना खाइए ना जीजा जी खाइए ना जैसे होता ना समझ लो अब आपको ससुराल वाले बड़े खातरी कर रहे हैं और सबके सब, सब लाइन से खिला रहे हैं अब आप फंस गए हो भाई नए नए जीजा जी बने हो हाँ तो पहला बार खाए तो बड़ा अच्छा लगा ठीक है आपकी सुंदर सुंदर साली साहिबा ने खिलाया तो बड़ा मजा आया आपको तो तीस यूटिलिटी पॉइंट आपने अपने मन में दिया हा मजा आ गया यार अब देखो भैया चौथा खा रहे हो यूटिलिटी पॉइंट आपने को मिला तो टोटल पचहत्तर हो गया तो चार बार अगर आपने खाया चार बार तो अगर एक बार में तीस था तो इंटू चार करोगे तो होता है एक बीस बट यहां तो हो रहा है सिर्फ पचहत्तर तो एक बीस की जगह हुआ है पचहत्तर ऐसा क्यों हुआ है क्योंकि भाई पहला था तीस दूसरा था बीस तीसरा था पंद्रह चौथा था दस तो जैसे जैसे आप उसी सेम चॉकलेट बार को खा रहे हो आपको मजा जो है उतना नहीं आ रहा है जितना पहले बार आया था मतलब पहले बार आया था तीस दूसरे बार आया बीस तीसरे बार आया पंद्रह चौथे बार आया दस तो पांचवा बार क्या दस से ज्यादा आएगा बड़ा ही मुश्किल है तो कि अब यार और मजा नहीं आ रहा यार अब अब जबरदस्ती अब क्या करें अब जबरदस्ती में क्या करूं अब यार ससुर जी आ गए नहीं दामाद जी आपको मेरे हाथ से भी खाना पड़ेगा देखिए भाई ऐसे मत करिए नहीं नहीं दामाद जी हमको खराब लग जाएगा अब ससुर जी ठीक है खिला दो तो दस की जगह आठ यूटिलिटी मिला एटी थ्री दोस्त कहानी खत्म नहीं हुआ पड़ोसन आ गई ससुर जी की पड़ोसन अरे हाँ हाँ हमारे जवाई बाबू से मिलिए अरे मेरे हाथ से भी खाना पड़ेगा आपको अरे नहीं आंटी जी माफ करिए देखिए अगर आप हमसे हमारे हाथ से नहीं खाएंगे तो हमको लगेगा कि आप हमको अ, मतलब आदर नहीं करना चाहते हैं बताइए ऐसा है। अरे बेटे खा लो ना बेटे खा लो ना अब आपकी वाइफ धर्म पत्नी ऐसे कू नहीं मारती खा लो ना मेरी फेवरेट मौसी जी है ठीक है भाई खा लेते हैं तो खा लिया जी छह यूनिट छ यूनिट मिला मेरे को यूटिलिटी का एटी नाइन बोला कहा मेरे को जब मैंने पहले बार अपने साली जी के हाथ से खाया था तो तीस यूनिट का यूटिलिटी मिला था और अब तीस से आ गया छः पे बट दोस्त किस्सा खत्म नहीं हुआ अब छोटे छोटे नन्ने मुन्ने बच्चे आ गए बोला अरे मैं भी खिलाऊंगा जिदोदी को मैं भी खिलाऊंगा अब भैया क्या करें अब तो समझ में आ गया कि विद्रोह करूंगा तो पत्नी इधर से मारेगी तो ठीक है भैया उसको भी खा लेते हैं तो चार यूटिलिटी उसके बाद फिर खिला दिया किसी ने तीन यूटिलिटी उसके बाद फिर किसी ने खिला दिया दो यूटिलिटी हाँ। मतलब अभी तक तो चलो कुछ भी हो खा रहे थे अब ये दसवा जब खिलाया ना तो भाई विश्वास करो कुछ टेस्ट का एहसास ही नहीं हुआ क्या खा रहे नहीं खाने कुछ समझ ही में नहीं आ रहा है तो जीरो यूटिलिटी अब भैया वाइफ को मैंने कहा कि देखो अब किसी को हाथ जोड़ रहा हूं किसी को मत बोलना खिलाने के लिए वॉमिटिंग हो जाएगा समझो माइनस फिर भी किसी ने खिला दिया तो भैया माइनस फोर हो गया <laughs> अरे क्या हुआ जमाई बाबू क्या हुआ अरे कुछ नहीं हुआ माँ कुछ नहीं हुआ एकदम ठीक है तो भैया ये था मार्जिनल यूटिलिटी का एनालिसिस आज तो दोस्त यही रोकेंगे क्योंकि इतना चॉकलेट बार खा लिए कि भैया बदहजमी हो गया